ये गूगल फॉर्म आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये गूगल फॉर्म आपका आ गया। यहाँ पे आपको बहुत सारा टेम्पलेट्स आपको दिख रहा है, तो आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें फॉर्म ऑलरेडी बना रहेगा। और आप खुद का बनाना चाह रहे हैं तो ब्लैंक में हम आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ब्लैंक में क्लिक कीजिएगा, एक आपका ब्लैंक जो होगा फॉर्मेट गूगल फॉर्म का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अनटाइटल का ऑप्शन दिखेगा और ये फॉर्म का नाम है, तो यहाँ फॉर्म का नाम यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो फॉर्म का नाम यहाँ पे रख लीजिए, जो भी नाम यहाँ फॉर्म का आप रखना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड आप बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर्म का नाम हम रख रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म, और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख दीजिए कलेक्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिलेगा, इसके पहले आप ये कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे ऊपर में टॉप में कस्टमाइज थीम है, थीम में क्लिक कीजिए। जो भी आपको थीम रखना है, आप यहाँ पे थीम कलर दिया गया है, जो भी थीम आप चाहें उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं, थीम अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये हम थीम कलर अप्लाई किए, और यहाँ पे नीचे में इसका बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। उसके बाद अपने फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए आपका यहाँ पे टाइटल यहाँ पे फिल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड आपको दिख रहा है अनटाइटल क्वेश्चन, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो यहाँ पे नेम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेम टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऑप्शंस मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए पैराग्राफ है, अगर आप क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस का ऑप्शंस मिलेगा, चेकबॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, लीनियर स्केल्स है, मल्टीपल चॉइस स्लिप के लिए बना सकते हैं, डेट एंड टाइम, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। किस तरह आप अपने इजी वे में अपने फॉर्म को आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल यहाँ पे आप किसी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में अब स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो आप यहाँ शॉर्ट आंसर लिए हैं और यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड को ऑन कर लीजिए ताकि ये फिर वर्किंग में काम करें। और एक फील्ड हम लोग ले लिए नेम, जिसमें कोई यूजर यहाँ पर अपना नाम डालेगा, और एक यहाँ पे बटन है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्लिक कीजिएगा तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा। अगर आपको सेम टाइप का डेटा रखना है तो आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग एक नेम और डेट, हम लोग इस बार डेट डालें तो डेट टाइप, दो तरह का फील्ड हम लोग बनाए नेम और डेट। यहाँ पे देखिए कि नेम के जस्ट नीचे आपको शॉर्ट आंसर टाइप दिखेगा, डेट के नीचे मंथ डेट ईयर, ये दो तरह का फॉर्मेट यहाँ पे बन गया, दो फील्ड नेम और डेट को यूज़ किए। अब इसको आप ये तो फॉर्म में आप सिंपल दो फील्ड का बनाएं, स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म में जाकर आप फिर रिस्पॉन्सेस में, आपको रिस्पॉन्सेस आपका ऑन होगा बाई डिफॉल्ट, फिर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, आप इस तरह बना सकते हैं। और उसके पहले आप जो फॉर्म्स बनाए हैं, ठीक है, उस फॉर्म को यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लीजिए कि आपका ये फॉर्म दिख रहा है प्रॉपर वे में कि नहीं। नेम आपका यहाँ पे यूजर्स नेम इंटर करेगा, डेट यहाँ पे डेट इंटर करेगा, फिर डेटा यहाँ पे सबमिट करेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर दो फील्ड बना, नेम और डेट का, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए अब इस पार्टिकुलर इसको किसी को भेजना है या लिंक करना है तो आप किसी को मेल कर सकते हो, ये फॉर्म का लिंक चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब सीख रहे हैं तो सबसे इजी वे में आप यहाँ पे सेकेंड में क्लिक कीजिए शॉर्ट एंड यूआरएल को, ये यूआरएल आप कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे ये लिंक किसी को भेजिएगा वो ऑटोमेटिक उस लिंक पर क्लिक करेगा, तो आपका जो ये जो पेज है जिसमें प्रीव्यू में हम लोग क्लिक किए थे, प्रीव्यू पेज उसके सामने यूज हो जाएगा और यूजर इजी वे में नेम और डेट यहाँ पर इजी वे में आपको एंटर कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकता है। इस तरह बना के देखिए, वो काफ़ी इजी प्रोसेस है। फिर हम लोग आगे सीखेंगे। थैंक्स फॉर द